हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर राकेश चौरे और आज हम अपने नए वीडियो में आपसे रूबरू हो रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज हम इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको इनके नॉमेनक्लेचर को बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमारे पास कई तरह की मेथड्स होती है। उनके कॉमन नेम होते हैं, IUPAC नेम से हम नॉमन क्लेचर कर सकते हैं क्योंकि आपने इससे पहले एल्केन एल्कीन का नॉमन क्लेचर देखा है, पढ़ा है, जो कि बेसिक है, 11 12th में आप पढ़ते हैं। तो IUPAC नाम करना तो सबको आता है, सिंपल चेन्स का, कार्बन से रिलेटेड चेन्स का, जिसको कैटिनेशन चेन भी कहते हैं। यहाँ पे भी IUPAC नेम काम करेंगे। कुछ कंपाउंड्स में आपको कॉमन नेम्स मिलेंगे, जैसे पिरिडीन, पायरोन, फ्यूरेन, ये कुछ कंपाउंड्स होंगे जो कि कॉमन नेम से जाने जाते हैं। और हेंस विडमैन नेमिंग सिस्टम होगा जिसमें कि चार रूल्स हैं। अगर हम इन चार रूल्स को ध्यान में रखते हैं तो हम किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम इजीली लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये चार रूल कौन कौन से हैं? पहला रूल है कि भाई अगर कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन सा हेट्रो एटम जुड़ा है उसका नाम सबसे पहले आएगा, यानी वो प्रीफिक्स होगा। मान लीजिए नाइट्रोजन जुड़ा है तो ऐसा आएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा आएगा, सल्फर है तो थिया आएगा, फॉस्फोरस है तो फॉस्फा आएगा। इस तरह से जो भी हेट्रो एटम होगा उसका नाम सबसे पहले आएगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि जैसे हम सेकेंड रूल पे जाते हैं और सेकेंड रूल हमारा ये कहता है कि अगर उस कंपाउंड में कितनी रिंग है, कितने मेंबर्ड रिंग है, यानी 3 मेंबर रिंग है या 4 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है, तो कितने मेंबर्ड रिंग है उस रिंग के हिसाब से हम उसका स्टेम यानी बीच का नाम लिखते हैं। और अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो हम वहां IR लिखते हैं, 4 मेंबर रिंग है तो हम वहाँ ET लगाते हैं, 5 मेंबर है तो OL लगाते हैं, 6 है तो IN लगाते हैं, 7 है तो ET लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि रिंग कितने है। मान लीजिए 3 मेंबर की रिंग है तो हम IR लगा देंगे। अब जब IR लगा देंगे और मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, हमने लिखा एजा और IR में जो I है ये वोवेल है, तो जब वोवेल होगा तो जो एजा का ए है वो हट जाएगा, यानी यहाँ पे जब नाम आएगा तो AZIR आ जाएगा, यानी वो ए टर्मिनेट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। चाहे वो ऑक्सा का ए हो, चाहे वो थिया का ए हो, ये जितने भी ए है ये सारे वहां से टर्मिनेट हो जाएंगे। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि कितने मेंबर्स हैं उसके ऊपर हम नाम लिखेंगे। थर्ड रूल क्या बोलता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। थर्ड रूल के हिसाब से अगर कंपाउंड अनसेचुरेटेड है तो 3 अगर एटम होंगे और नाइट्रोजन नहीं है उसके अंदर तब ईन लगेगा, अगर नाइट्रोजन है वहां पे तो आयन लगेगा। ऐसे ही 4, 5 और 6 एटम के लिए ई लगेगा, 7, 8 और 9 एटम्स के लिए आयन लगेगा। फोर्थ रूल बोलता है कि कंपाउंड अगर सेचुरेटेड है तब एन लगेगा और रिंग साइज जो होगा वो, उसमें अगर नाइट्रोजन नहीं है तब एन लगेगा, अगर नाइट्रोजन है तो आईडीन लगेगा। ऐसे ही 3, 4, 5 के लिए, और अगर 6 एटम्स है तो उसके लिए हेक्सा हाइड्रो प्रीफिक्स लगेगा। तो इस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए,
पहले हम तीन मेंबर रिंग की बात कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आपको आगे के नाव में प्लेसर करने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने एक पहले रिंग ली है, इसको बोलेंगे एजिरिडीन। एजिरिडीन क्यों बोल रहे हैं? आप देखें यहाँ पे कि तीन मेंबर रिंग है और तीन मेंबर रिंग में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है इसका मतलब एजा आएगा। फिर तीन मेंबर रिंग है इसका मतलब आईआर आएगा। तो एजा प्लस आईआर को आप जोड़ोगे, ए रिमूव हो जाएगा तो एजेड आईआर आ जाएगा, एजीर हो गया। और क्योंकि ये कंपाउंड सेचुरेटेड है और सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए हमने आपको बताया था कि आयोडीन उसमें लगेगा या आयीन लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एसेरिडीन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसेरिडीन। ठीक है, समझ में आया? अभी सेचुरेटेड और नॉन सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं या अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? सेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब वो होता है ऐसे कंपाउंड जहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो वो सेचुरेटेड कंपाउंड होंगे, और ऐसे कंपाउंड जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, एसिरिडीन सेचुरेटेड कंपाउंड है और एजिरीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में भी सेम चीज हो जाएगी। सबसे पहले हम हेटरो एटम देखेंगे जो कि नाइट्रोजन है, उसके लिए ऐसा लगेगा। फिर तीन मेंबर रिंग है चूंकि ये, तो आई आर लगेगा, और अनसेचुरेटेड रिंग है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो आई एन ई लगेगा। तो इसी हिसाब से इसका नाम एजिरीन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा हेटरो एटम ऑक्सीजन, और हमें पता है अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा हो जाएगा। अब इस रिंग का आपको नाम बताना है, इसको जरा सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए कि इसका नाम क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका नाम क्या होगा। तो अब तक आपने देख लिया होगा या ट्राई करके देखा होगा कि इसका नाम क्या है। चलिए मैं बताता हूँ इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इसका नाम ऑक्सा। तीन मेंबर रिंग है आई आर, ठीक है, और फिर ये कंपाउंड सेचुरेटेड है तो इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें लगेगा एन, तो ये हो गया ऑक्सीरेन। क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन होता तो आयोडीन या आयन लगता, पर यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, तो इसका नाम हो गया ऑक्सीरेन। अगला कंपाउंड देखते हैं, इसका नाम सोचिए क्या होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सा हो गया। तीन मेंबर रिंग है आई आर लग गया, अनसेचुरेटेड रिंग है, अनसेचुरेटेड है और नाइट्रोजन भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ईन लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया ऑक्सीरीन। इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगला देखें, ये कंपाउंड है सल्फर वाला, ये भी थ्री मेंबर्ड है, इसमें आप इसका नाम देखिए क्या हो सकता है। इसका नाम सल्फर है, इसका मतलब थिया हो जाएगा। तीन मेंबर रिंग है यानी आई आर लगेगा, तो टी एच आई आई आर हो जाएगा क्योंकि ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, थाईर हो गया। और इसमें सफिक्स जो रहेगा, क्योंकि ये सेचुरेटेड कंपाउंड है तो सफिक्स जो रहेगा वो एन होगा, तो क्या हो गया, तो कंपाउंड का नाम हो गया थाईरेन। ऐसे ही अगला कंपाउंड जो कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे ही थिया, सल्फर का थिया, तीन मेंबर का आई आर, थिया आई आर और ईन, ई एन ई, ईन लग जाएगा तो थाई रीन हो जाएगा, थाई रीन, इसका नाम हो जाएगा थाई रीन। तो इस तरह से अगर आपको तीन मेंबर के नाम लिखने आ गए हैं तो आप इजीली बाकी मेंबर्स के भी नाम लिख सकते हैं। तो थाई रेन ये कंपाउंड हुआ आपका और ये हो गया थाई रेन। तो आइए बात करते हैं फोर मेंबर रिंग की, कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में चार मेंबर हैं,
और ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन के लिए आपको पता है क्या आएगा, ऑक्सा आएगा। चार मेंबर रिंग है, इसका मतलब ईटी आएगा इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है तो इसका मतलब इसमें ईटी आएगा। और क्योंकि ये सेचुरेटेड है इसका मतलब इसमें एन आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीटेन। अगला, इसमें देखिए ये अनसेचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीटे, ऑक्सीटे। क्यों? क्योंकि चार मेंबर के लिए ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सा आ गया, चार मेंबर के लिए ईटी आ गया, और क्योंकि ये नाइट्रोजन नहीं है इसमें तो इसमें सिर्फ ई लग जाएगा, तो ऑक्सीटे। अब नाइट्रोजन आ गया है तो यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए आप, इसको बना के देखिए आपको समझ में आएगा। चार मेंबर रिंग के लिए पहले नाइट्रोजन के लिए ऐसा आएगा, फिर चार मेंबर रिंग के लिए क्या आएगा, सारा कुछ देखिए और आपका नाम बनाइए। ऐसे ही इस वाले कंपाउंड का भी नाम बनाइए, तो कोशिश करिए, ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से बनाएंगे। ये सल्फर का मॉलिक्यूल है, इसका भी आप देखें इसमें थिया आएगा, और ये अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है सल्फर का, इसको भी आप देखें। इन सब के आप नाम मुझे नीचे डायलॉग बॉक्स में लिख के बताएं। फिर अगला है फाइव मेंबर रिंग, तो फाइव मेंबर रिंग के मैंने जैसे बताया कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे ये जो रिंग है इसका जो कॉमन नेम है ये है पायरोलिडीन, ऐसे ही ये पायरोल है, फाइव मेंबर रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है पायरोल है, फाइव मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेन है, या फ्यूरेन है, या थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है, जो फ्यूरेन होना था वो टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन हो गया है, जो टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन होना था वो फ्यूरेन हो गया, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। जिसमें रिंग बनी है जिसमें डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, जो अनसेचुरेटेड है वो फ्यूरेन है, और जो सेचुरेटेड है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है वो टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये जो अगला कंपाउंड है टेट्रा हाइड्रोथायोफीन है, और ये थायोफीन है, तो इस तरह से फाइव मेंबर रिंग्स हैं, ये कॉमनली आपको सिंथेसिस में पढ़ने होते हैं, पायरोल प्यूरेन और थायोफीन को स्पेशली पढ़ना होता है, प्यूरेन में थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसको आप अपने माइंड से यूज करके और एक्सचेंज करेंगे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन दूसरा है और प्यूरेन दूसरा है, तो यहाँ थोड़े से मिस्टेक हो गई, उसको ध्यान रखिएगा। तो थायोफीन, फ्यूरेन और पायरोल ये एरोमेटिक हाइड्रोसाइकिल कहलाते हैं, और इनके सिंथेसिस आपको आपके सिलेबस में पढ़ने होते हैं एमएससी में, तो आप इनको ध्यान से इनके स्ट्रक्चर देख लीजिए और इनको अपने दिमाग में रख लीजिए। फिर अगले हैं नेम्स फॉर सिक्स मेंबर रिंग, सिक्स मेंबर रिंग में आपके पास कंपाउंड रहेंगे पाइपिरिडिन, ये आपका कंपाउंड है पाइपिरिडिन, इसके बाद अगला कंपाउंड है पिरिडिन, पिरिडिन लेबोरेटरी में बहुत यूज होता है, सिंथेसिस में यूज होता है, तो आपको पता है पिरिडिन ये भी एक कॉमन कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये एरोमेटिक हाइड्रोसाइकिल कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है लेबोरेटरी में। फिर अगला होता है टेट्रा हाइड्रो पायरेन, उसके बाद आता है पायरिलियम, देन नेक्स्ट होता है थायेन, और उसके बाद आता है ये कंपाउंड, तो इस तरह से ये सारे कंपाउंड्स आप देख सकते हैं इसमें, और इनके नाम मेरे ख्याल से अब आप सीख गए होंगे किस तरह से नामकरण करना है। तो जो सेवन मेंबर रिंग है ये आपके लिए टास्क है, आपको सेवन मेंबर रिंग के सारों के नाम लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपने उसके नाम लिख दिए हैं तो वो भी आप नाम लिख के मुझे बता सकते हैं कि सेवन मेंबर रिंग के नाम क्या होंगे और फोर मेंबर रिंग के नाम क्या होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।
फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर में सारी चीजें क्लियर हुई होगी, नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ होगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन एमएससी के स्टूडेंट से को खास तौर से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनके चार रूल्स जो हैं उनके बारे में अगर स्टडी करते हैं, तो आपको इजीली आप किसी भी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।